हम तो मेहरवान कदरदान साहिबा आगा खान फाउंडेशन के माध्यम से गांव में घूमते हैं और स्तनपान बच्चों को कराने से बच्चा को क्या लाभ है, माँ को क्या लाभ है, उसी के बारे में मैं घूम घूम करके बतलाते हैं और माता बहन को समझाते हैं। ये बुनियाद कार्यक्रम जो हम लोग 3 जिले में चला रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। जो इसका बैकग्राउंड था वो यूके एड के साथ हमारा एक पार्टनरशिप हुआ था और हमने फिर 3 और संस्थाओं के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। अगर हम बात करें ट्रेनिंग का, तो हम लोगों के सामने उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी उनके साथ कैसे वो इन्वायरमेंट बनाकर ब्रेस्ट फीडिंग जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हम लोग उनको ट्रेंड करें। आगा खान फाउंडेशन का टीम जो आया ना, तो हम लोगों को ट्रेनिंग दिए जो बच्चे को दूध पिलाना है 1 घंटा के अंदर और 7वें महीना से कुछ खान पान इसको देना है खाना, तो इसे हम सब करे लगली। बच्चा के फायदा है जो बीमारी से बचलक, गाढ़ा पीला दूध से शक्ति रहलक बच्चा के। माए के फायदा है ये जो अति ब्लेडिन माने न देलक, परसेंटा निकाले में भी आसान हो गए। ये तो हम लोग का कुछ जानकारी था, लेकिन बुनियाद आने से और ही भी इससे विस्तृत हुआ। अब हम एक दूसरे से मिलजुल कर काम कर रहे हैं। आगा खान फाउंडेशन मुजफ्फरपुर में पहली बार काम कर रहे थे, तो रिकॉग्निशन गवर्नमेंट के साइड से भी हमें कम था। जो आंगनवाड़ी, ANM, आशा और ममता, इनको अपने तरफ से IY सेफ पर जो ट्रेनिंग दी, उस ट्रेनिंग का बहुत हद तक फ़ायदा उन्हें काफ़ी हुआ। उसके बाद ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो एक हमारे तरफ रवैया था वो बदला। स्वास्थ्य उपकेंद्र लेवल पर जो मीटिंग दी गई थी, आंगनवाड़ी को, ANM को, आशा को, सबको बुला कर जो मीटिंग दी गई थी, उसका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। दूसरी चीज़ है कि जगह जगह जो इनका जो प्रचार जो हुआ है लिखित में, वॉल पेंटिंग करके जो दिया गया है, उससे कुछ जागरूकता पब्लिक में आई है कि अब लोग जैसे ही डिलीवरी होता है बच्चे को दूध पिलाने के लिए पब्लिक भी जागरूक रहती है। डिलीवरी होने के बाद बच्चे को कैसे हम अपना सर्विस दें, जैसे कि आप बच्चे को जो है स्तनपान कराना है, 6 महीने तक स्तनपान कराइए, उसके बाद फिर लिक्विड डाइट दीजिए आप उसको खाने के लिए। इस परियोजना के माध्यम से हम लोग 4 लाख माताओं तक अपनी पहुंच बना पाए हैं। परियोजना काल में हम IYCF के 3 मुख्य आयाम में लक्षित बदलाव ला पाए हैं। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग को 17% से 65% तक, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को 15 से 50% तक एवं एज ऑफ प्रिपेयर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को 20 से 44% तक लाने का श्रेय सभी स्टेक होल्डर्स एवं बुनियाद की टीम को जाता है।